यह वाईफाई सिक्योरिटी कैमरा है, इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करके दुनिया में हर कोने में बैठ के इसका लाइव फुटेज देख सकते हैं। घर में लगा से आप कहीं पर भी जाओगी, बच्चे के साथ कनेक्ट कर देना, बच्चा कहाँ जाता है, सो रहा है, कहाँ जाता है, सब कुछ देख सकते। देखिए जिधर भी घुमाता हूँ उधर भी आप देख सकते हैं कहाँ पर। देखिए दो मोबाइल के साथ हमने कनेक्ट किया, दो मोबाइल में तीन मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते, सब कुछ इसी वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। इसका बैटरी देखिए कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा है बैटरी। और मदरबोर्ड देखिए, ये मदरबोर्ड है और ये इसका एंटोना है। तो इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करके दुनिया में हर कोने में बैठ के इसका लाइव फुटेज देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छी चल रहा है। तो आप भी इसी तरह से एक कैमरा यूज़ कर सकते हैं। तो गलत कामों में ये कैमरा इस्तेमाल मत करें, बहुत ही अच्छे कामों में इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बढ़िया कैमरा है। तो चलिए इसको यूज़ करना कैसे, दो मोबाइल के साथ कनेक्ट करना कैसे। तो हाई दोस्तों, तो आपने बहुत सारा कैमरा देखा हो, पेन कैमरा, बटन कैमरा, चश्मा कैमरा, ग्लास कैमरा, वायरलेस कैमरा, मतलब तार कैमरा है, पुकुर में खेल लोगे तो मछली भी देख सकते। तो बहुत सारा कैमरा देखा था, ए वाला कैमरा देखा कभी? देखिए ए वाला ऐसा सिक्योरिटी कैमरा कभी सोच नहीं सकते। बैटरी बहुत बड़ा है, बैकअप भी बहुत ही अच्छा देता है। तो इस वाला कैमरा यूज़ करके दिखाने वाला, इस कैमरा कहीं पर भी सेटअप कर सकते, टेडी बियर के साथ, किसी के पुतुल के साथ, किसी कहीं पर भी सेटअप कर सकते, घड़ी के साथ, कैप के साथ, मास्क के साथ इसको सेटअप कर सकते, कहीं पर भी छुपा सकते। गलत कामों में इस्तेमाल मत करिए ये वाला कैमरा, बहुत ही सिक्योरिटी कैमरा, बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा रहता है, वाईफाई कैमरा है। इसको मास्क कैमरा खरीदने जाते हैं तो 5,000-6,000 रुपये रहता है, कैप कैमरा खरीदने जाता हो तो वो भी 5,000-6,000 रुपये बढ़ते हैं। तो सबसे कम बजट में आपको इस कैमरा का रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ। तो आज इस कैमरा को आज आपको सेटअप करना कैसे, क्यों, कौन से ऐप्स में चलता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। और मास्क कैमरा कैप कैमरे के साथ कनेक्ट किया कैसे, अगली वीडियो में बताया था, वो वीडियो देखना चाहते हैं आई बटन में डिस्क्रिप्शन में एडनी स्क्रीन में देख सकते। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कैमरा ऐप्स के साथ कनेक्ट करना कैसे, इसी बारे में बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। चलिए वीडियो नहीं बढ़ा करके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा के यूज़ करना कैसे सब कुछ दिखा देता हूँ। बहुत ही सबसे पहले बॉक्स आपको इस तरह कुछ आपको मिलेगा, तो बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ, इस तरह कुछ आपको खोल लेना। खोलने के बाद देखिए आपको क्या क्या मिलता है। देखिए कुछ आपको चार्ज करने के लिए एडाप्टर आपको केबिन मिलता है, और इधर के कुछ आपको बुक मिलता है। तो इसको साइड में रखता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको चलाना है। इसको साइड में रखता हूँ और देखिए इसमें सब कुछ भरा है, इसमें खोल देता हूँ देखता हूँ इसके अंदर क्या है। तो देखिए ये बहुत सारा चीज़ दिया, देखिए ये वाला है कैमरा है, ये इसका एंटेना है, और ये वाला इसको कैमरा है, देखिए ये वाला कैमरा है, देखिए कैमरा, और इसका देखिए ये मदरबोर्ड है, और ये देखिए पावर सप्लाई। पावर सप्लाई देने के लिए देखिए इस तरह कुछ आपको खुला रहेगा, ठीक है, इस तरह कुछ खुला रहेगा, तो आपको माइनस टू माइनस, प्लस टू प्लस, मतलब ना इस समझ आ रहे तो लाल टू लाल, काला काला डाल देना, तो इस तरह करके डाल देना, इस तरह को लगा देना। आपको लगाने के बाद इस तरह कुछ आपको दिखाई देगा, देखिए दिखाने के बाद देखिए देखिए एक बार आपको एक एसडी कार्ड ले लेना, एसडी कार्ड लेना है आपको अंदर डालना, एसडी कार्ड भी डाल सकते नहीं भी डाल सकते, एसडी कार्ड डालोगे स्टोर रखे रहता है और वाईफाई से कनेक्ट कर दोगे तो लाइव फुटेज देख सकते। हम एसडी कार्ड इस तरह करके डाल देना, आपको डालने के बाद देखिए ये वाला इस स्विच को इस तरह करके ऑन कर देना। ऑन करने के बाद देखिए इस तरह कुछ ऑन हो जाएगा और इधर लाइट जलने लगा, देखिए लाइट जलने लगा, और ये वाला रीसेट बटन का एक बार कुछ सेकंड दबा कर रखना है तो रीसेट हो जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम है, पासवर्ड भूल जाएगा, तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये वाला बटन को कुछ सेकंड दबा कर रखना है और ये रीसेट हो जाएगा। सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ, ये रीसेट हो जाएगा, इस तरह करके रीसेट हो जाएगा, और आपको इसको साइड में रखना है। एक वाला पूरा काम हो गया, मोबाइल में चला जाना आपको, प्ले स्टोर में चला जाना, और ये वाला ऐप से डाउनलोड करना, हो पाई इस तरह से सर्च मार लेना, ये वाला ऐप से डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड कर लेना, ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर लिया और ऐप्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दिया और आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐप्स का टाइटल देकर सर्च मार लेना, ऐप से डाउनलोड कर लेना, उसके बाद ऐप्स ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद देखिए ये वाला ऐप्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहले कि ओपन जब हो जाएगा तो क्या करना, ये वाला कैमरा अभी ऑन है, तो आपको ऑन है तो इस बार का अलाउ परमिशन कर देना मोबाइल को, उसके बाद लोकेशन ऑन कर देना। उसके बाद आप देखिए देखिए सबसे पहले काम क्या करना है, मेन चीज़ ऊपर से आपको इस तरह का डालना है, और आपको नहीं तो वाईफाई वाईफाई में चला जाना, वाईफाई में इस तरह से जाना है। उसके बाद आपको इस डिवाइस का देखिए ये कैमरा का इधर आईडी शो कर रहा है, ठीक है, इस ऑन करोगे तभी वाईफाई में जाओगे सेटिंग में तभी शो कर गया, तो वाईफाई में चला जाना। आपको जाने के बाद इस कैमरा का इस तरह का क्लिक करके कनेक्ट कर देना, कनेक्ट जब भी करोगे लाइव फुटेज देख सकते। देखिए अभी कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो गया, उसके बाद बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद देखिए इस तरह कुछ दिखाई देगा और कैमरा दिखाई देगा। तो हम सेव में जब भी क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होता है, कैमरा का पासवर्ड बने वाईफाई से कनेक्ट करने को बोलता है। देखिए इस तरह क्लिक करोगे तो वाईफाई से कनेक्ट करने को बोलता है, बैक कर देता हूँ। देखिए अभी इस तरह करके क्लिक करोगी तो
तो वाईफाई से कनेक्ट है, जितना रेंज है वाईफाई का उतना ही देर तक आप लाइव फुटेज देख सकते हैं। देखिए जितना घुमाता हूँ उधर ही घूमता है। हाँ तो आपको दूर से देखना है, कैसे देखना है मतलब वाईफाई वाला कैमरा है तो दूर से देखना चाहते हैं, इधर घर में लगा के आप दुकान से देखना चाहते हैं, उधर किसी जगह में लगा के गया कि बच्चा का बैग में डाल दिया वो कहाँ जा रहा देख रहा है, मोबाइल से देखना चाहते हैं लाइव फुटेज तो वो देखना चाहते हैं। सबसे पहले बैक कर देना, आपको सर बैक कर देना, आप बोलिए इस तरह कुछ सेटिंग में चले जाना। जाने के बाद देखिए वाईफाई सेटिंग इधर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद देखिए जो भी राउटर वाईफाई है आपका घर में शो कर रहा है, मोबाइल के हॉटस्पॉट देना चाहते हैं सब कुछ शो कर गया करेगा, तो इसी को इस तरह क्लिक करना और उधर नेम शो करेगा, नीचे पासवर्ड देने को बोलेगा, पासवर्ड इस तरह करके आपको देना, जो भी वाईफाई का पासवर्ड है वही आपको डाल देना। आपको जो भी पासवर्ड वही डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना, देखिए वाईफाई का पासवर्ड भी दे दिया, वाईफाई सब कुछ दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट कर देना। करने के बाद इस तरह कुछ आपको टाइम लेगा और ये वाईफाई से इस कैमरा वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसका लाइव फुटेज देख सकते हैं, दूर से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अभी कनेक्ट हो रहा है, तो देखिए वाईफाई कनेक्ट हो गया, ठीक है वाईफाई कनेक्ट हो गया, इस कैमरा अभी वाईफाई के साथ कनेक्ट मतलब वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गया, दूर से देख सकते। तो इसमें वीडियो में क्लिक करोगी तो बोल रहा है इस कैमरा का पासवर्ड बनाने को बोलता है, इस कैमरा का पासवर्ड बनाने को, जो भी पासवर्ड बनाओगी तो दूर से देख सकते, दो मोबाइल में तीन मोबाइल में देख सकते। तो हम क्या करते हो इधर सेव में क्लिक करोगे तो पासवर्ड बनाने बोलता है, हाँ निजु से इधर क्लिक मिडिल में क्लिक करके वीडियो में क्लिक करके कैंसिल में क्लिक करोगी तो डायरेक्ट फुटेज देख सकते। अब क्या करने वाला हूँ, अभी क्या करता हूँ, पासवर्ड बनाना है इस कैमरा का, कैमरा का पासवर्ड बनाने के लिए वीडियो फुटेज में क्लिक करना, सेव में क्लिक करना और कैमरा का न्यू पासवर्ड बना लेना और कैमरा का आईडी और इस पासवर्ड जिस बंदा को शेयर करोगी जिसको दोगी तो वो भी लाइव फुटेज इस कैमरा का देख सकते। तो हम क्या करता हूँ इस न्यू पासवर्ड बना लेता हूँ इस कैमरा का। कैमरा का पासवर्ड कुछ इस तरह से बना लेना, आपको पहले बड़ा हाथ में उसको छोटा हाथ में कुछ नंबर दे देना तभी पासवर्ड सेट हो गया, कैमरा का पासवर्ड हो रहा है अभी तो सेव ने डन में क्लिक कर देना तो कैमरा का पासवर्ड तैयार हो जाएगा, दूर से लाइव फुटेज देख सकते हैं। देखिए अभी वीडियो फुटेज में हम क्लिक करता हूँ तो देखिए अभी देखिए लाइव फुटेज देखिए जिधर घुमाता हूँ कैमरा उधर ही देखिए मोबाइल से देखा है, देखिए कुछ कनेक्शन नहीं, जिधर घुमाता हूँ देखिए ये देखिए जिधर घुमाता हूँ उधर ही देखिए सब कुछ देख सकते, फुल एच डी सब कुछ एक बार फुल एच डी कैमरा है दोस्तों। देखिए देर एच डी में रेजोल्यूशन ठीक कर सकते, रेजोल्यूशन कैसे ठीक करना है देखिए इस एच डी में क्लिक करोगी, देखिए इस तरह करके क्लिक करोगी रेजोल्यूशन में, रेजोल्यूशन क्लिक करके एच डी फुल एच डी देखिए फुल एच डी एच डी सब कुछ दिखाई देगा, तो फुल एच डी में क्लिक करो तो और भी छवि क्लियर आ जाएगा और बैटरी इतना बड़ा है, बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा देता है। इधर से देखिए स्क्रीन रिकॉर्डर कर सकते, रिकॉर्डिंग कर सकते, इधर स्क्रीन शॉट कर सकते, बहुत अलग अलग सेटिंग दिया है, स्क्रीन बड़ा छोटा कर सकते, वॉइस देखिए सुन सकते, हाँ सब कुछ इधर इधर मिडिल में क्लिक करोगे तो वॉइस सुन सकते, अलाउ परमिशन के इस कैमरा का वॉइस सुन सकते, ये आपका बच्चा कहाँ गया कहाँ बात करे सब कुछ देख सकते, देखिए इस तरह करके देख सकते हैं। और एच डी कार्ड में रिकॉर्डिंग क्या है कितना है सब कुछ देख सकते। तो हम क्या करता हूँ इस सेटिंग में जाता हूँ, देखिए एच डी कार्ड में कितना रिकॉर्डिंग हुआ वो भी देख सकते, सेटिंग में चला जाना, आपको जाने के बाद देखिए इधर आपको एच डी कार्ड में क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद देखिए एच डी कार्ड में आगे रिकॉर्डिंग है अभी आपको दिखाया, तो सब कुछ सेलेक्ट कर सकते, ऑल में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, नहीं तो देखिए हम ऑल रिकॉर्डिंग होगा लाइव फुटेज देखते हैं ऑल कर दिया, ठीक है देख सकते हैं एच डी कार्ड देखिए देखिए। तो इसको बैक कर देता हूँ, कैमरा को दो मोबाइल में तीन मोबाइल में कनेक्ट करना चाहते तो कैसे करना, तो दो मोबाइल में तीन मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, दूसरा मोबाइल उठा लेना इस तरह करके, ठीक है इस तरह करके दूसरा मोबाइल उठा लेना, दूसरा मोबाइल उठा लेना, देखिए दोनों दो मोबाइल है हमारा, ठीक है हम क्या करता हूँ दो मोबाइल इसी वाला ऐप्स आपको क्या कर लेना डाउनलोड कर लेना, जो वाला ऐप्स पहले बताया था उसी वाला ऐप्स आपको डाउनलोड कर लेना, ये वाला ऐप्स डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद आपको किसको कुछ नहीं करना, आई डी वाई डी कुछ नहीं बनाना है, इस ऐप बहुत सिंपल एकदम। तो इसको सेटिंग में चला जाना, जानकारी क्यू आर कोड दिखाई दे रहा है ना, इस क्यू आर कोड में क्लिक कर देना ए वाला नंबर वन मोबाइल पर, ठीक है पहले जो ओपन किया था उस मोबाइल पर, ठीक है तो दूसरा मोबाइल में ऐप्स ओपन करके प्लस का आइकन में क्लिक करके इस टावर पर क्लिक कर देना, एलो परमिशन और क्यू आर कोड इस तरह करके स्कैन कर लेना, करने के बाद देखिए इधर कनेक्ट में क्लिक करोगे तो लाइव फुटेज देख सकते। तो इस कैमरा का इधर देखिए इस कैमरा का इधर आईडी है, ये वाला आईडी, ये आईडी इधर आ रहा है, तो इधर पासवर्ड जो भी बनाया था उसी पासवर्ड आपको इधर दे देना तभी लाइव फुट देख सकते हैं, इस तरह करके पासवर्ड जो भी बनाया था उसी पासवर्ड आपको दे देना, देखिए इस तरह करके पासवर्ड दे देना जिस पासवर्ड आपने बनाया था, हम देखिए उसी पासवर्ड दे देता हूँ इस तरह करके, तो उसी पासवर्ड दे देना आपको जो पासवर्ड हमने बनाया था, और यूजर नेम कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं कोई भी रख सकते, आईडी सबसे बेहतरपूर्ण होता है आईडी और इसके पासवर्ड,
जो भी मोबाइल में लॉगिन करेगी वही आप इस कैमरा का लाइव फुटेज देख सकते हैं। तो दो मोबाइल में अभी देखा ना, कनेक्टिंग में क्लिक कर दो और दो मोबाइल में कनेक्ट हो जाएगा। देखिए इस मोबाइल कनेक्ट हो गया दो मोबाइल में, देखिए बैक कर देता हूँ, एक साथ में दो मोबाइल कनेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए दोनों मोबाइल में कनेक्ट हुआ नहीं, देखिए साइड में रखता हूँ, देखिए देखिए दो मोबाइल में कनेक्ट हो गया। इस तरह से दो मोबाइल में तीन मोबाइल में ही कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वाले कैमरा को बहुत सारा जगह में सेटअप कर सकते हैं। हम घड़ी के साथ सेटअप करके दिखाया, मास्क के साथ सेटअप करके दिखाया, कैप के साथ सेटअप करके दिखाया, सभी वीडियो हमने बनाया था इस कैमरा का सेटअप करके दिखाया। तो किस तरह से आप सेटअप किया देखना चाहते तो आई बटन पर लिंक दे दूँगा, उधर क्लिक करके देख सकते, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं एंड स्क्रीन पर भी दिखाई देगा आपको वो वीडियो, क्लिक करके सेटअप करना कैसे दिखा देता है। बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी कैमरा है, बहुत ही अच्छा थे कि आप मास्क कैमरा खरीदने जाते हो तो 5,000-6,000 रुपये खरीदने के आपको मिलता है, तो ज़्यादा कीमत मिलता है। और कैप कैमरा भी खरीदने जाते हो 5,000-6,000 मिलता है, तो इस कैमरा ज़्यादा कीमत नहीं, आपको 1500-1600 में आपको मिल जाएगा। बहुत यूजफुल कैमरा है, फुल HD कैमरा है, बैटरी बहुत बैकअप, सारा दिन चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार यूज करके तो देखो बहुत ही अच्छा चल जाता है, बहुत ही बढ़िया कैमरा है। जिस तरह से दिखाए उसी तरह से सेटअप कर लेना, एकदम बहुत ही अच्छा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी तरह से ट्राई करके देखिए, और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो ऑल बटन पर इसी तरह रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।